पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसे कंडेम किया है, जो कुछ कल असेंबली के अंदर और बाहर हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी आपसे पूछ लूं कि इमरान खान साहब ने तो दरवाजे बंद कर दिए बातचीत के, एस्टेब्लिशमेंट से जो भी थे मामलात, हुकूमत के साथ तो वो वैसे भी बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। आप समझते हैं कि अभी भी कोई गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ी सियासी जमात है और बहुत बड़ी सियासी जमात को वो लीड भी कर रहे हैं, तो अभी भी कोई बात करने के आसार हैं या हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई मुजाकरात की गुंजाइश रह गई है। अब जिस हद तक हम चले गए हैं या जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, देखिए अभी कहा जा रहा था, हमारी बहन है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, हम इकट्ठे पार्लियामान का हिस्सा भी रहे हैं और बड़ा एक इज्जत एहतराम का उनसे ताल्लुक और रिश्ता भी है, बहनों की तरह है बिल्कुल। उन्होंने अभी एक बात की कि फिर गाली तो मुंह से निकलती है। देखें, अगर कोई आंसू गैस से तंग आके, कोई शेलिंग से तंग आके गाली देता है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत बड़ी विक्टिम रही है। हमारी तो लीडर को सड़क के बीच में शहीद कर दिया गया, हमारी खवातीन को एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल तक किले में रखा गया, जहां पे उनकी मुलाकात भी नहीं होती थी, जेलों में रखा गया, सड़कों पे घसीटा गया, हमें मारा गया। मेरे कोई हजारों की तादाद में कारकुन भाई शहीद हुए, हमारी क्यादत को फांसी पे लटका दिया गया, फिर ये सोचा जाए कि हम हर आदमी को गाली दे सकते हैं, ये मुनासिब नहीं है। वो उसको उन्हें कंडेम करना चाहिए, वो एक सियासी कारकुन है, वो उन्हें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो जबान इस्तेमाल की अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो जबान ना उन्हें किसी ने डंडा मारा ना लाठी मारी, पुलिस के हसार में वो जलसे में आए और वो सबसे ज्यादा गालियां तो वो दे के गए हैं। उन्होंने पंजाब को गाली दी ना, मैं सेहरा बांध के आऊंगा, आए ना, क्यों नहीं आते? अब कहा जो है पख्तून तो अपनी जबान पे खड़े रहते हैं, अब उन्हें आना चाहिए। देखिए, ये अगर रवैये रहे तो ये डायलॉग का और मुजाकरात का कोई माहौल ही नहीं है। किससे मुजाकरात करने हैं? मुजाकरात तो होते हैं जब आपकी सियासी लड़ाई हो रही हो, जब आप खड़े होकर गालियां दे रहे हो, जब आप लफ्जों का चुनाव करते हुए खवातीन का एहतराम ना करें, जब आप लफ्जों का चुनाव करते हुए अपनी रवायात का एहतराम ना करें, तो फिर मुजाकरात किस चीज के? कोई मुजाकरात की मेरा नहीं ख्याल, मैं एक सियासी कारकुन हूं, कभी मायूस नहीं होता मुजाकरात से, डायलॉग पे यकीन रखने वाली जमात से ताल्लुक है। लेकिन मैं भी हैरान हूं कि अगर इन लोगों के साथ बैठ के डायलॉग करने हैं जो ना सहाफियों को छोड़ते हैं, ना अदलिया को माफी देते हैं, ना अफवाजे पाकिस्तान को माफ करते हैं, ना अवाम को माफ करते हैं, इनके साथ किस किस्म के डायलॉग? अच्छा, ये अदलिया का आपने जिक्र किया है, हज़रत मुर्तज़ा साहब इजाज़त दीजिएगा, एक एक चीज़ जो है वो सुनवानी है आप लोगों को, इजाज़त दीजिएगा। मैं चाहूँगी कि वो जो पैनल प्लीज़ उसे प्ले कीजिएगा, फिर थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि अली बिन गंडापुर साहब भी गायब रहे हैं, तो वो कहाँ रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है, ज़रा प्ले कीजिएगा। इस्लामाबाद मजिस्ट्रेट के लिए पैगाम है कि ये शुरू करें, ये काम न करें। ये उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब ने पैगाम दिया है, पैगाम समझ आ गया होगा मेहमानों को भी। लेकिन खेलदास कोस्तानी साहब, इस पे भी मैं चाहूंगी कि आप कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के रवैयों को तर्क करने की हम बात करते हैं ऑन द मीडिया एज वेल। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ गायब रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? क्योंकि वो फैसल वाउडा साहब ने तो बताया कि वो कहीं पैटे शटे खा रहे थे जैमर में, कुछ चाय शाय पी रहे थे। गवर्नमेंट को तो पता चल जाता है, जलसा मनसूखी का भी पता था गवर्नमेंट को, तो ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? देखें, मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ पे थे, वो उसको खुद आके बताना चाहिए। जो टक्कर के लोग हैं, जिस तरह वो दावे कर रहे थे कि मैं 15 दिन में जाके जो जेल से निकालूंगा अपने बानी को और पंजाब में जाऊंगा, तो हम तो इसको कहते हैं कि आप आकर दिखाएं पंजाब में। अगर आप पंजाब में दहशतगर्दी करने आएंगे, इंतशार करने आएंगे, फसाद फैलाने आएंगे, तो हम आपको रोकेंगे। अगर आप पंजाब के खूबसूरत लाहौर को घूमने आएंगे, सैर व तफरी करेंगे, तो हम आपको वेलकम भी करेंगे, ये हमारी रवायत भी है। तो ये जो टक्कर के लोग हैं, आपने देखा कि ये कहते हैं कि हम आज़ादी के लिए जान दे देंगे, हम इस तरह ही कर लेंगे, तो
तो आज हम असेंबली में ढूंढ रहे थे कि इनके एमएनए कहाँ चले गए, ना आज कोई गिरफ्तारी हो रही थी, स्पीकर साहब ने नोटिस ले लिया था तो छुप के बैठे हुए थे। नहीं, लेकिन जो तो कल किया है पार्लियामेंट में वो उसके अलावा भी कुछ आज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि होना चाहिए था इनके साथ, क्या बात कर रहे हैं सर। देखें, जो कल मतलूब लोग थे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जो मैंने बात आपको की जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर से जो गिरफ्तारियां हुई उसका स्पीकर साहब ने नोटिस लिया। हम पार्लियामेंट की रवायत का अमीन है, हम पार्लियामेंट की तकद्दस चाहते हैं, हम ऐवान का तकद्दस चाहते हैं, इसीलिए हमारे स्पीकर अयाज सादिक साहब का भी रवैया देख लें आप, एक कठपुतली जो था असद के सर उसका रवैया भी देख लें, मैं बार बार वो कह रहा हूँ। बात यह है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है उन दहशतगर्दों से जाके केपीके में लड़े, ना के जो दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं आप उनसे लड़ाई कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, आप उनको ललकार रहे हैं, बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये रवैया जो है ये इनको कहाँ। और दूसरा ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अगर बानी पीटीआई खुद चाहता है, जिसने आज शाबाश दिया गंडापुर को कि ये पाकिस्तान के अवाम की उसने तर्जमानी की है, तो मकसद ये एक प्लांटेड था, ये करवाया गया, और क्योंकि पहले भी उस पर तहफ़ुज़ात थे कि ये अपने जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको मशकूक भी समझता है, वो तो हो गया। लेकिन आप मुझे बताएं कि पंजाब में मीनार पाकिस्तान पर आप लोग इजाजत देंगे जलसे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? हम किसी भी सूरत में इंतशार और फसाद को मीनार पाकिस्तान हो या जिस तरह हमने इनको, ये तो उनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है। देखें इनका जो रिकॉर्ड माजी का रहा है 2014 से लेकर किस तरह इन्होंने दावा इस्लामाबाद में लाया था 22 में 25 मई को, जिस तरह इस्लामाबाद पे आके इन्होंने हमला किया, और कल जो इन्होंने इस जलसे में जो कुछ किया है, क्या उसके बाद ये रह जाता है कि इनको इजाज़त दी जाए? तो ये पंजाब हुकूमत को फैसला करना है। मैं नहीं समझता हूँ ऐसे टेररिस्ट ऐसे फासिस्ट लोगों को किसी भी सूरत में एक मौका फराहम किया जाए जो दोबारा 9 मई करें, जो इस मुल्क में फसाद चाहते हैं, हम इनको ये इस तरह की हरगिज़ इजाजत नहीं होनी चाहिए इन जैसे लोगों को, क्योंकि इनका माजी अच्छा नहीं है। ठीक है, आप इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन सर माजी में फिर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत का काम है, मैं समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर का इस तरह के लोगों को इन लोगों को इस तरह की इजाजत नहीं। ठीक है।